वजीर आजम के मावन खसूसी और सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने असासों से मुतालिक वजाहत जारी कर दी है और अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे। उनकी इस वजाहत के हवाले से उनसे सवाल करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते 27 अगस्त को सहाफ़ी अहमद दुरानी की फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर एक तफसीली तहकीकती रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें आसिम सलीम बाजवा और उनके खानदान पर आमदनी से ज़ायद असासों से मुतालिक संगीन इल्जाम मौजूद थे। इस रिपोर्ट के बाद कई दिनों तक ये मामला ज़ेर बहस रहा। हुकूमत पर दबाव आया कि वो इस हवाले से वजाहत करे। सवाल उठने लगा कि खुद आसिम सलीम बाजवा को वजाहत देनी चाहिए। फिर वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने दावा किया कि आसिम सलीम बाजवा जल्द इस हवाले से वजाहत देंगे और एक हफ्ते की खामोशी के बाद आज आसिम सलीम बाजवा ने उस तहकीकती रिपोर्ट पर अपना बाकायदा और तफसीली बयान जारी किया है और असासों से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजे करते हुए अहमद नूरानी की रिपोर्ट में मौजूद इल्जाम का जवाब दिया है। आखिर अहमद नूरानी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर क्या इल्जाम आयद किए और आसिम सलीम बाजवा ने उनका क्या जवाब दिया है, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अहमद नूरानी की स्टोरी में पहला इल्जाम था कि आसिम बाजवा ने अपने असासों में अपनी अहलिया के बैरून मुल्क असासों का जिक्र नहीं किया और दावा किया कि अमरीका की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की अहलिया अमरीका में 2 शॉपिंग सेंटर समेत 13 कमर्शियल जायदादों की मुश्तरका मालिक हैं और अमरीका, कैनेडा और मुत्तहिदा अरब अमारात में 82 कंपनियों में शेयर होल्डर भी हैं। सरमाए की मौजूदा कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन यानी 670 करोड़ रुपए है। इन तमाम जायदादों में आसिम बाजवा की अहलिया आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिक है। अहमद नूरानी ने अपनी स्टोरी में दावा किया कि SECP जो पाकिस्तान में कारोबारी कंपनियों के निजाम को रेगुलेट करता है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के बेटों की मिल्कियती कंपनियों का डेटा भी गायब करना शुरू कर दिया है। आज जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इस इल्जाम का जवाब दिया है और लिखा है कि मैं साफ अल्फाज में इस खबर को गलत और झूठा करार देता हूँ। पहला इल्जाम कि मैंने 22 जून 2020 को अपने असासे जाहिर किए और उन असासों में अपनी अहलिया के असासों का जिक्र नहीं किया, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। जिस तारीख को मैंने अपने असासे जाहिर किए उस तारीख को मेरी अहलिया मेरे भाइयों की बैरून मुल्क कारोबार में शेयर होल्डर नहीं थी। मैंने 22 जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए और मेरी अहलिया 1 जून 2020 को इन बैरून मुल्क कंपनियों में अपनी तमाम शेयर होल्डिंग छोड़ चुकी थी और ये तमाम हकाइक अमरीका में सरकारी दस्तावेजात में बतौर सबूत मौजूद हैं। आसिम बाजवा ने पहले इल्जाम का जवाब देते हुए मजीद कहा कि अमरीका में कंपनीज की शेयर होल्डिंग छोड़ने के बाद पाकिस्तान में SECP में नाम की तब्दीली में वक्त लगा। ये महज एक मिनिस्ट्रियल फंक्शन है क्योंकि असल अमरीकी कंपनी में शेयर होल्डिंग मेरे असासे जाहिर किए जाने से पहले यानी 1 जून 2020 को ख़त्म की जा चुकी थी जबकि मेरे असासे जाहिर करने की तारीख 22 जून 2020 थी। अगर कोई गैर जानबदारी से असल हकाइक को सामने रखे तो वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि यह खबर मेरी साख को ख़राब करने के लिए फैलाई गई है। 2002 से लेकर 1 जून 2020 तक मेरी अहलिया की तरफ से मेरे भाइयों की अमेरिका में कंपनीज की जाने वाली सरमायाकारी सिर्फ $19,000 थी और मेरी अहलिया ने यह सरमायाकारी मेरी सेविंग्स के जरिए की जिसका पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है और एक दफ़ा भी स्टेट बैंक के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अभी आसिम सलीम बाजवा की तरफ से पहले इल्ज़ाम का जवाब था। अहमद नूरानी ने अपनी तहकीकती रिपोर्ट में जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया वो आसिम बाजवा के मुख्तलिफ अहदों पर तरक्की के दौरान उनके खानदान के असासों में इजाफे से मुतालिक है। दूसरे इल्जाम के मुताबिक आसिम बाजवा 2002 में जनरल मुशरफ के स्टाफ अफसर बने और फिर जैसे जैसे उनकी तरक्की होती रही वैसे वैसे उनके भाइयों की अमेरिका में बिजनेसेस में भी तरक्की होती रही। दूसरे इल्जाम के मुताबिक बाजको ग्रुप की 99 कंपनीज हैं, मशहूर फ्रेंचाइज पापा जोन्स के सबसे ज्यादा आउटलेट्स हैं। बाजको ग्रुप ने पहली 2 फ्रेंचाइजेज 2002 में कायम की और 2003 में मजीद 10 फ्रेंचाइजेज कायम करने का मुआहदा किया मगर 2004 में 3 फ्रेंचाइजेज खरीदी। ऊपर बयान किए गए अंदाजे के मुताबिक इन इब्तदाई फ्रेंचाइजेज के लिए $1.5 मिलियन की सरमायाकारी की गई। अहमद दुरानी की रिपोर्ट में कहा गया कि बाजको ग्रुप की तरफ से इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए कि इस सरमायाकारी के लिए पैसे कहाँ से लाए गए और इसके बाद की सरमायाकारी को कैसे मुमकिन बनाया गया। अहमद दुरानी की स्टोरी के मुताबिक 2006 और 2007 में बाजको ग्रुप ने 20 फ्रेंचाइजेस कायम की और फिर 2008 में मजीद 28 फ्रेंचाइजेस का क्याम अमल में लाया गया। इस स्टोरी में दावा किया गया कि अंदाजे के मुताबिक पापा जोन्स रेस्टोरेंट्स की इन 48 फ्रेंचाइजेस कायम करने के लिए $14.4 मिलियन की रकम दरकार थी। इस स्टोरी में दावा किया गया कि बाजको ग्रुप के मालिक ने फैक्ट फोकस के सवालों का जवाब नहीं दिया मगर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि ज़्यादातर सरमायाकारी सरकारी बैंकों से कर्ज़े लेकर की गई मगर किन बैंकों से कर्ज़े लिए गए उन बैंकों का तस्करा नहीं किया गया। इस स्टोरी में दावा किया गया कि कंपनियों की दस्तावेजात में किसी भी कारोबार में आसिम सलीम बाजवा की बीवी बच्चों और भाइयों के अलावा किसी शख्स की हिस्सेदारी सामने नहीं आई। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इस दूसरे इल्ज़ाम के जवाब में कहा है
के अहमद नूरानी ने 99 कंपनियों का दावा किया है, मगर अमरीका में 27 एक्टिव कंपनीज हैं और मुत्तहदा अरब अमारात में 2 कंपनियां हैं। आसिम बाजवा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि 2002 से लेकर अब तक 18 सालों में मेरे भाइयों ने 7 करोड़ डॉलर्स की फ्रेंचाइजेज में सरमायाकारी की, जिसमें से 6 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी बैंक के कर्जों और फाइनेंशियल फैसिलिटीज के जरिए की गई। 18 सालों में मेरे भाइयों और मेरी अहलिया की तरफ से की जाने वाली सरमायाकारी $73,950 की है और इस $73,950 में से $19,492 की सरमायाकारी मेरी अहलिया ने अपने पैसों से की है, यानी मेरे भाइयों ने अपनी जेब से बाकी $54,458 की सरमायाकारी की और मेरे पांचों भाइयों की इस मजमूई सरमायाकारी और उसके जराए का पूरा रिकॉर्ड अमरीका में मौजूद है। इसके अलावा जो मेरे भाइयों और मेरी अहलिया की जानिब से इजाफी सरमायाकारी हुई वो उस मुनाफे में से हुई जो इन बिजनेसेस से हासिल होता रहा और उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आसिम बाजवा ने वजाहत देते हुए मजीद कहा कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये मेरे पांचों भाइयों में से 2 भाई डॉक्टर्स हैं, एक भाई अमरीका में एक बैंक में नायब सदर के ओहदे तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं, एक और भाई एक रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी में कंट्रोलर रहे हैं और एक भाई एक रेस्टोरेंट चेन में पार्टनर रहे हैं और फिर 2002 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे भाइयों में से कोई भी भाई मेरा डिपेंडेंट नहीं है और ये भी वाजह हो कि मेरी बीवी और भाइयों के अलावा भी 50 दूसरे इन्वेस्टर्स उनके कारोबार में शामिल हैं। आसिम सलीम बाजवा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि क्या अमरीका में इन ओहदे पर रहने वाले लोग $54,000 की सरमायाकारी भी नहीं कर सकते। ये दूसरे इल्जाम का जवाब था जो आसिम बाजवा ने अपने खानदान के असासों से मुतालिक दिया। अहमद नूरानी ने अपनी स्टोरी में तीसरा इल्जाम ये लगाया कि बाजको ग्रुप से हटकर आसिम बाजवा के बेटे पाकिस्तान में कंपनियों के मालिक हैं। इस स्टोरी में दावा किया गया कि तमाम कंपनियां 2015 के बाद कायम की गईं, जब रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा DGISPR थे और फिर कमांडर सदर्न कमांड बने। इस स्टोरी में मजीद कहा गया कि मादनी वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान के हवाले से कमांडर सदर्न कमांड का ओहदा निहायत ही अहम है। इस स्टोरी के मुताबिक जनरल आसिम बाजवा के 2 बेटों ने अमरीका में कंपनीज कायम की। एक कंपनी 2015 में कायम की गई जब वो DGISPR थे और दूसरी कंपनी 2018 में कायम की गई जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर सदर्न कमांड थे। ये अहमद नूरानी की स्टोरी में तीसरा इल्जाम था और इसके हवाले से मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज का उनके बेटों के हवाले से जिक्र किया गया, जिस पर आज आसिम सलीम बाजवा ने वजाहत जाहिर करते हुए मौका अख्तियार किया कि इल्जाम लगाया गया कि मेरा एक बेटा सायोन बिल्डर्स नामी कंपनी का मालिक है जो कि SEC में रजिस्टर्ड है। ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने आज तक कोई कारोबार नहीं किया और वो अपनी इब्तिदा से ही एक गैर फाल कंपनी है। आसिम बाजवा के जवाब के मुताबिक ये कहा गया कि हिमालया प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी मेरे एक बेटे के नाम से SEC में रजिस्टर्ड है। ये बात भी वाजे हो कि मेरे बेटे की कंपनी सिर्फ 50% मेरे बेटे के शेयर्स हैं और ये एक छोटी कंपनी है, अपने कयाम से अब तक महज 5 लाख रुपए से कम का टोटल मुनाफा कर पाई है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि मोची कार्डिनर्स नामी कंपनी मेरे बेटे के नाम पर है। ये बात सच है कि मेरा बेटा इस कंपनी का मालिक है जो एक छोटी कंपनी है और उसने गुज़िश्ता 5 बरस में टोटल नुकसान ही किया है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि क्रिप्टॉन नामी कंपनी मेरे बेटे के नाम पर है जो माइंस एंड मिनरल्स में डील करती है और उस वक्त रजिस्टर्ड हुई जब मैं बलूचिस्तान में पोस्टेड था। बदकिस्मती से किसी ने यह जानने की जहमत नहीं की कि यह कंपनी FBR में 2019 में सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड है, मगर यह हमेशा से गैर फाल कंपनी है और कभी कोई बिजनेस नहीं किया। इस कंपनी ने कोई बैंक अकाउंट ही नहीं खोला और ना ही कोई लीज ली। आसिम बाजवा के मुताबिक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी मेरे बेटे की मिल्कियत में है, मगर ये भी एक गैर फाल कंपनी है, कभी कारोबार नहीं किया। आसिम बाजवा के मुताबिक एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि मेरे बेटे की सायोन मैनेजमेंट ग्रुप का अमरीका में एक घर है, अगर जर्नलिस्ट ईमानदारी से हकाइक जानने की कोशिश करते तो उन्हें पता चलता कि वो $31,000 में खरीदा गया घर है और मेरे बेटों की आमदनी से मुकम्मल मुताबकत रखता है, ये एक छोटा घर है। और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे 2 बेटों ने ये कंपनियां कायम की, मगर ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी भी गैर फाल है, ये इन्होंने सायोन LLC के नाम से बताया। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगाया गया उनके मुताबिक कि मेरे 2 भाइयों की एक कंपनी सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस को CPAC कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये बात वाजे हो कि इस कंपनी ने कोई CPAC कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया, ये कंपनी रहीम यार खान में है और वहाँ इंडस्ट्रीज़ को ह्यूमन रिसोर्स और लेबर फराहम करती है। ये आसिम सलीम बाजवा की तरफ से तीसरे इल्ज़ाम का जवाब है और वो अब खुद इन जवाबों के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे।